बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को दिया झटका। जेडीयू पार्टी के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधायकों ने साथ देने का वादा किया था और अब जो हुआ उस पर सोचने की जरूरत है। सब 6 के 6 MP यहाँ पर आए, सॉरी MLA यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के बाद एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए, आप समझ लीजिए। अब लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए, सभी लोग विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर की घटना को बताया पैसे और बल का प्रयोग। कहा 2023 में जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आएगी। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और 1 को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ, वो जितना चाहे प्रयास कर लें लेकिन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023। जेडीयू के पटना में मौजूद मुख्यालय में शनिवार से पार्टी 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत हो सकती है। साथ ही 2024 के लिए नीतीश कुमार की भूमिका भी चर्चा का अहम केंद्र हो सकती है। 22 अगस्त को पटना में हुए शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी पर जमकर लाठियां बरसाने वाले पटना के ADM KK सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी की जांच पूरी हो गई है और KK सिंह को इस मामले में दोषी करार देते हुए नोटिस जारी किया गया। उन्हें 7 दिनों के अंदर इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर DM की तरफ से रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ADM को निलंबित भी कर सकती है। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें पटना के PMCM में भर्ती करवाया गया। अनंत सिंह को अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ब्योर जेल अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है, उनकी तबीयत काफी खराब है। अनंत सिंह ने AK-47 राइफल रखने का आरोप साबित होने के बाद उन्हें कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद से वो पटना के ब्योर जेल में बंद है। बिहार के बेगूसराय जिले के आधे हिस्से में बाढ़ और आधे हिस्से में सूखे से हालात बिगड़ रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। शनिवार को उन्होंने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित शामो प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। क्या शामो में बिहार के लोग, आपके लोग, आपके वोटर, आपके लोग नहीं रहते थे? ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव ना रखें, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। देश के अंदर में प्रधानमंत्री बनेंगे और अपने ही राज्य में भेदभाव करेंगे, ये कैसा राजनीति है? बेतिया के निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरा पूजा पंडाल जलकर खाक हो गया। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जहां पूजा पंडाल बनाया जा रहा था वहीं बिजली विभाग का जिला कार्यालय है। इसके बाद भी बिजली की व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन पूजा समिति को बड़ा नुकसान हुआ और साथ ही आसपास के मोहल्लों की बिजली सप्लाई में भी रुकावट आ गई। झारखंड के दुमका में मृतक छात्रा के परिजनों से मिलने गए निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ देवघर में FIR दर्ज करवाई गई। इन पर आरोप है कि ये बिना इजाजत देवघर एयरपोर्ट के ATC में गए और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जबरदस्ती क्लियरेंस लिया। ATC में जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पर जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है,
साथ ही उन्होंने कह डाला कि झारखंड की सरकार अली बाबा और 40 चोर है। हम अंकिता को न्याय दिलाने गए थे, पूरा झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मेरे वाइफ के ऊपर 15 केस कर दिए, मेरे 18-19 साल के बच्चे के ऊपर केस कर दिए, जितना केस करना है करो, 37 केस मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हो गए हैं। केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, दो दो हाथ करने को तैयार हूँ, ये लड़ाई जारी रहे। चोरों का सरकार है अली बाबा और 40 चोर हैं ये लोग। अली बाबा हेमंत सोरेन और ये 40 चोर जो है उसके विधायक हैं, इनके बारे में आप क्या बात करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में एक अलग तरह की थीम रेस्टोरेंट शुरू किया गया। इस रेस्टोरेंट को जेल की थीम पर डिजाइन किया गया है और इसे नाम दिया गया है कैदी किचन। यहां डाइनिंग एरिया को जेल की कोठरी के तर्ज पर बनाया गया है, जहां कैदियों और हथकड़ी के लिए जेलर की वेशभूषा में वेटर लोगों को सर्विस दे रहे हैं। लोगों को ये बिल्कुल अलग सा रेस्टोरेंट काफी पसंद आ रहा है।